हमने नाश्ता कर लिया इधर से, तो अभी निकल रहे हैं। अभी टाइम हो चुका है 10:23, आप टाइम देख रहे हो करीब 10:23 हो गया। तो गाड़ी तो ऑलमोस्ट मैंने 4 मोड़ चला लिया है अभी तक तो पूरा। तो इधर पे लग रहा है कि हमें सिर्फ 2 में जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर पे कि ये हाईवे ही है लेकिन इधर का उतना जो 2-way रोड नहीं है, तो इसलिए हमें ज़्यादा स्लो में जाना पड़ेगा। तो गाइस आप देख लो इधर का जो रास्ता है, ऐसे लग रहा है कि जो बॉर्डर है कोई तो मैन मेड कट कर दिया, पता नहीं मैन मेड ही रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा दिख रहा है इधर का रास्ता। आप देख लो बहुत ही अच्छा बॉर्डर देख रहे हैं, ऐसे मैन कट है या नहीं नेचुरल लग रहा है इक्वल। मैंने तो आता नहीं देखा, देखती हूँ बताया था कि हम जा रहे हैं भटकल पहले, उसके बाद जाएंगे मुर्डेश्वर। अपने वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, तो इधर पे एक छोटा मोटा सा ब्रिज था, तो उधर पे थोड़ा स्टॉप कर दिए क्योंकि अभी हम जस्ट कंप्लीट किए एक बड़ा सा घाट। तो अभी आपको एक्चुअल में मैं कितना किलोमीटर चल के गाड़ी चल रन हो के और कितना टाइम लगा हमें उतना कवर अप करने में पूरा बताऊँगा मेरे बाइक के जो डिजिटल मीटर है। तो पहले आप ये व्यू देख लो, तो इधर एक ब्रिज था, इधर पे हम स्टॉप किए, इधर पे इब्राहिम भाई। तो मैंने आज तो कम्प्लीटली ऑलमोस्ट मोर देन 95% मैंने तो चलाया ट्रैक मोड में ही, तो कितना किलोमीटर अब तक कवर हो के बताऊंगा आपको। अभी तक हमने चलाया है गाड़ी 4 hours 12 minutes, तो हमने ऑलमोस्ट 300 kilometers का रेंज कवर अप करके है, लाइक 292 kilometers कवर अप किए। तो एवरेज स्पीड ये ऑलमोस्ट फ्यूल कंजम्पशन ही पूरा उसका ही मीटर है, तो आप देख सकते हो शायद। तो यही था, इतना हमने अभी तक कवर अप किया है। अभी एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लेंगे इधर पे, और थोड़ी देर बाद फिर से मैं एक्शन कैमरा स्विच कर लूँगा और आपको आगे का रास्ता बताता हूँ और क्या क्या देखने मिलेगा आपको। तो निकलते हैं फिर इधर से। लंच के लिए जैसा सोचा था मैंने, वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ। लाइक 2 बजे पहुंचना था मैं भटकल, उधर पे प्रेयर ऑफर करना था नमाज, पर हुआ नहीं। अभी तो हमने इधर पे अगुम्बे, जो अगुम्बे है एक छोटा सा प्लेस, तो उधर पे ही नमाज पढ़ ली है।
इधर पे ही लंच खत्म करके फिर जा रहे हैं। अभी हमें मिलने वाला है अमुंबे घाट, तो अभी बारिश को खतरनाक स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इधर पे अमुंबे घाट इज नोन फॉर हैवी रेन और इसको हैवी रेन फॉरेस्ट वगैरह भी बुलाया जाता है, तो जाना जाता है प्लेस। तो अभी पूरा हमें घाट मिलने वाला है आगे, तो बारिश भी काफ़ी होने वाली है गाइस। मैं स्टॉप करना था, एक मिनट, एक फोटो ले लेते थे। नहीं मतलब फॉग टाइप तो देख लो गाइस, घाट ये तो बहुत ही डेंजर ओवर है राइट। ये भी पूरा घाट ऊपर का जो व्यू था बहुत ही सही था, पर हमने रुकाया नहीं। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फॉगी टाइप हो गया बिकॉज ऑफ रेन, ये पूरा बारिश के कारण ऐसे दिख रहा है इधर से। घर पे हमें काफ़ी स्लो जाना पड़ेगा, पहले ही एक बार ऑलमोस्ट पूरा पूरा एकदम डेड हुआ है, कुछ पता नहीं चलता कौन से तरफ से गाड़ी आ रही है। और इधर पे जो टर्न है वो भी काफ़ी बहुत खतरनाक है, और स्पीड तो चलाना ही नहीं, देख लो आप रोड भी ऐसा है और बारिश भी काफ़ी हो गई है इधर पे ऑलरेडी। अभी मेरे पास सिर्फ 2 बैटरीज बच के हैं, उसमें एक प्लस पॉइंट हुआ था, फिर से हम लंच को बैठे थे उधर पे, मैंने फिर से चार्जिंग कर लिया, तो कितना हुआ पता नहीं, तो थोड़ा बहुत तो आ जाएगा, वही है, कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो चार्ज हो गया वो। अभी जो बैटरी है उसको तो मैं कंप्लीट निकालूंगा नहीं, अगर ये बैटरी भी ख़त्म हो गई इधर पे तो मैं वो बैटरी नहीं निकालूंगा, वो डायरेक्ट नीचे की बाहर बोले घर के रास्ते में और उधर भी यूज़ करना है तो सारी प्रॉब्लम। तो इधर पर थोड़ा बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद, तो पावर की ज़रूरत नहीं है अभी मेरे को, ये घाट से निकल के रेनबो ने माइलेज बहुत अच्छा बता रहा है, पता नहीं सच में इतना देगा या नहीं, क्योंकि ट्रैक मोड में ट्रैक में करीब 170 कुछ हुआ था, 74 इसका लेंथ कितना बड़ा है, मतलब कितने किलोमीटर लंबा है इसका, पर लेकिन जोर तो बहुत खतरनाक है।